देश के 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को मतदान होना है, लेकिन अब मतदान की नौबत सिर्फ 4 राज्यों में दिख रही है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा को छोड़कर बाकी उन सभी राज्यों में निर्विरोध चुनाव तय हो गया है, जहां राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग होनी है। 3 जून को नामांकन पत्र वापसी का समय समाप्त होने के साथ ही उन राज्यों में परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे जहां वोटिंग कराने की जरूरत नहीं है। यूपी की 11, तमिलनाडु की 6, बिहार की 5, आंध्र प्रदेश की 4, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की 3-3, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड और पंजाब की 2-2 और उत्तराखंड की 1 सीट पर चुनाव निर्विरोध तय हो चुका है, क्योंकि यहां उतने ही उम्मीदवार मैदान में हैं जितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है। दूसरी ओर महाराष्ट्र की 6, राजस्थान और कर्नाटक की 4-4 सीटों के साथ हरियाणा की 2 सीटों पर वोटिंग की नौबत आती नजर आ रही है। यहाँ मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा है। इसके साथ ही विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप भी लगना शुरू हो गए हैं और ये आरोप बीजेपी पर ही लगाए जा रहे हैं। राजस्थान और हरियाणा में बीजेपी और उसके सहयोगियों के समर्थन से एक अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में आ गया है। राजस्थान में जी ग्रुप के मालिक सतीश चंद्रा और हरियाणा में जेजेपी के समर्थन से कार्तिकेय शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। इनके चुनाव लड़ने से कांग्रेस के समीकरण खराब हो सकते हैं, क्योंकि वोटों का जो गणित है उसमें हरियाणा में कांग्रेस को 1 और राजस्थान में 3 सीटें मिलना तय माना जा रहा है। कार्तिकेय और सुभाष चंद्रा की जीत बेहद मुश्किल दिख रही है। अगर उलटफेर होता है तो फिर मुश्किल कांग्रेस को आएगी। अजय माकन और प्रमोद तिवारी मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि बीजेपी इन राज्यों में आसानी से 1 सीट जीत रही है। दूसरी ओर कर्नाटक की 4 सीटों पर बीजेपी ने 3, कांग्रेस ने 2 और जेडीएस ने 1 उम्मीदवार उतार दिया है। बीजेपी के 2 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार की जीत तय है। चौथी सीट किसके हाथ जाएगी, इस पर संशय बना हुआ है। यहां दूसरे वरीयता के वोट चौथी सीट का निर्णय करेंगे। महाराष्ट्र की 6 सीटों में से बीजेपी ने 3 और महाविकास अघाड़ी गठबंधन की ओर से 4 उम्मीदवार उतारे गए हैं। मुकाबला बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार और एमवीए के गठबंधन में शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार के बीच होना है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के 1-1 उम्मीदवार की जीत तय है। बीजेपी भी 2 सीटें आसानी से जीत रही है।